नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, कल जो हमारी बातचीत हुई थी, उस वक्त लाइव के दौरान गुजरात से एक सज्जन जुड़े थे और उन्होंने ये दावा किया कि सहारा के उच्च प्रबंधन ने उनको संदेश भेजा है। और उच्च प्रबंधन नहीं, स्वयं सम्मानित स्वप्ना रॉय जी, उनके वो संदेश को वो सहारा के निवेशकों तक पहुंचा रहे थे। कई लोगों ने ये सवाल पूछे कि क्या वो संदेश उन्होंने लिखित में भेजे हैं आपको, आपकी क्या हैसियत है, आप किस हैसियत से उनके संदेश को पढ़ रहे हैं या बतला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक फील्ड वर्कर नहीं हूं या एक निवेशक नहीं हूं, मेरे पीछे सहारा का प्रबंधन खड़ा है और जो कुछ भी मैं बात कह रहा हूं वो सहारा प्रबंधन के बिहाफ पे कह रहा हूं और सहारा प्रबंधन के समर्थन में ही कहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं यहां पर आया हूं सहारा कंपनी को डिफेंड करने के लिए, सुब्रत रॉय सहारा जी को डिफेंड करने के लिए, उनके परिवार को डिफेंड करने के लिए और कंपनी को डिफेंड करने के लिए। और उन्होंने बड़ी मजबूती से यह बात कही। उन्होंने कहा कि आदरणीय स्वप्ना जी ने जो संदेश भेजा है निवेशकों के लिए, उसमें पहला संदेश यह है कि हम कहीं नहीं भाग रहे हैं, हमने आपको अकेला नहीं छोड़ा है, आपको अपने हाल पे नहीं छोड़ा है। यह बात सही है कि विपरीत परिस्थिति में हम सबको नुकसान भुगतना पड़ा है, बहुत सारे परिवारों ने अपने प्रियजन को खोया है, उनकी मौत हुई है, आर्थिक तंगी से गुजरे हैं, आर्थिक बदहाली का शिकार होना पड़ा है और भारी मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा है। इस पूरे दुख में हम आपके साथ हैं। ऐसा संदेश आदरणीय स्वप्ना जी राय का था। ये व्यक्ति कन्हैया जी शाह दावा कर रहे थे कि यह संदेश उनके तरफ से है जो मैं आप सबको दे रहा हूं। पहली बार किसी भी नेटवर्क पे आकर के सहारा श्री की मृत्यु के बाद सहारा प्रबंधन का यह बयान दिया जा रहा था, लेकिन मैं इसे अधिकृत बयान नहीं मानता हूं। अगर कोई व्यक्ति आकर के उनके संदेश को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मैं कोई संदेह भी नहीं करता हूं, हो भी सकता है, लेकिन मैं इसकी पुष्टि भी नहीं करता हूं। मैं से मेरा तात्पर्य है कि क्यूवाइब नेटवर्क इसकी पुष्टि भी नहीं करता है। लेकिन क्यूवाइब नेटवर्क, अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि मेरे पास सहारा के उच्च पदस्थ प्रबंधन का संदेश है और स्वयं स्वप्ना राय जी का संदेश है, तो मैं उन्हें उनके संदेश को जनता तक और निवेशक तक, फील्ड वर्कर तक पहुंचाने में जरूर अपनी भूमिका निभाऊंगा। और मैंने उनको कोई ना तो रोका, ना ही मैंने उनके ऊपर यह आरोप लगाया कि आप झूठ बोल रहे हैं या आपको अधिकृत नहीं किया गया है। मैंने कोई संदेह व्यक्त नहीं किया, ना ही मैंने उनको कोई आरोप लगाया। मैंने ये जरूर कहा कि अगर आपको स्वप्ना रॉय जी ने संदेश देने के लिए कहा है तो ये खुशी की बात है, बल्कि मैंने उनकी तारीफ भी की और बाकी लोगों से भी ये कहा कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब क्यूवाइब नेटवर्क पे कोई व्यक्ति आकर के ये कह रहा है कि मैं सहारा प्रबंधन के लिए बोल रहा हूं और सहारा प्रबंधन की तरफ से बोल रहा हूं और सहारा के सबसे बड़े आज के दिन में जो अधिकारी हैं स्वप्ना रॉय जी, उनके बिहाफ पे मैं ये संदेश भेज रहा हूं और उनका संदेश आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अब सहारा के उच्च पदस्थ पदाधिकारी और स्वयं स्वप्ना राय जी अगर हमारे इस कार्यक्रम को देख रही होंगी, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि अगर कन्हैया शाह जी ने उनके नाम को यहां पे रखा है तो वो इसकी तहकीकात करें और अगर उनका उनको उनको सहमति है, उनकी सहमति है
कि वो आकर के यहां पर बोलें तो ये बहुत खुशी की बात है। मैं भी ये चाहूंगा कि उन्होंने अगर ये संदेश भिजवाया है तो वो साधुवाद की पात्र हैं और मैं भी उन्हें ये अपने तरफ से जरूर मैं भी स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहा था कि जरूर कोई ना कोई सहारा के उच्च पदस्थ व्यक्ति सामने आए और निवेशकों के साथ खड़े हों। मैं नहीं समझता हूं कि निवेशकों से उनकी कोई दुश्मनी है। जिस निवेशकों के बल पे, जिस फील्ड वर्कर के बल पे सहारा कंपनी खड़ी हुई, और ऐसी परिस्थिति में वो छोड़ के चले जाएंगे। मैं बड़ी मजबूती से लगातार ये कहता रहा हूं कि कंपनी को डरने की जरूरत नहीं है, कंपनी को भागने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने, अगर कंपनी से कोई गलती हुई है तो मजबूती से सामने आकर के उस गलती को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ सकती है। दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो बिल्कुल पाक साफ हो और जिनका ऑपरेशन बिल्कुल शानदार रहा हो, ऐसी कोई कंपनी नहीं है। सारे बिजनेस ऑफिसेस में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती हैं। इनकी हो सकता है कि थोड़ी अधिक गड़बड़ी हो, जिसकी वजह से यह खामियाजा भुगतने को पड़ा। सभी एक स्वर से, सभी निवेशकों ने, सभी फील्ड वर्कर ने, कल जब शुभम बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझा रहे थे, सहारा की गलतियों को बतला रहे थे, खुद शुभम ने भी कहा और बाकी सभी निवेशकों ने भी कहा जो हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए थे, जो हमारे साथ लाइव में चैट करके हमें संदेश भेजते हैं, उन सब ने कहा कि 2010 तक सहारा प्रबंधन बहुत अच्छा काम कर रही थी, हमारी पूरी कंपनी बेहतर काम कर रही थी, हम सबका दिन अच्छा था, हम सब सहारा को अपना निवेश देते थे और उसके बदले में हमें मैच्योरिटी मिलती थी। अगर नहीं मिलती थी या हमको अगर कहा जाता था कि आप दोबारा रीइन्वेस्ट कर दीजिए तो वो हम लोगों का अपना डिसीजन होता था, लेकिन हमारे पैसे के डूबने की कोई संभावना मुझे दिखती नहीं थी। तो आप ये मान करके चलिए